अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो जोरदार अपने लिए ताली बजाओ। और हमारे भाई जितेंद्र साहब आप और इतनी ब्यूटीफुल एंकर जो सबके लिए ताली बजा रहे हैं, इनके लिए और जितेंद्र भाई के लिए, तिवारी जी के लिए जोरदार ताली बजा रही है। आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जितेंद्र भाई दो शब्द बोलूंगा। आज बहुत ही प्यारा कार्यक्रम होता है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर साहब बहुत कम बोलते हैं और ये जिम्मा डायरेक्टर लोग एक्टरों को ही दे देते हैं, तो इस बात के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। आज इतना प्यारा काम, ये जो आज फिल्म वुमन हिट वुमन उनका मौका हो रहा है, तो क्यों ना दो शब्द माँ के लिए बोले जाए और माँ के लिए हम सब दो शब्द एक साथ बोले। रेडी हैं? की पूजा हो, बोल दीजिए, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीर झुकाता हूँ। जोरदार ताली बजाइए। इतना प्यारा खूबसूरत आज जो कार्यक्रम जितेंद्र भाई ने रखा है, दोस्तों पानी का जहाज बनाना और फिल्म बनाना एक समान बात होती है। लोग एक जब पानी का जहाज बना था, लोग बोलते थे कि यार ये पानी में एक छोटा सा कंकर फेंकते थे तो ये कंकर डूब जाता है, ये जहाज पानी में क्या चलाएगा। लेकिन उसने इतनी मेहनत की, इसने इतनी मेहनत की, एक दिन पानी के अंदर जहाज चला दिया, सारी दुनिया हंस रही थी और वो रो रहा था। इसीलिए इसी तरह से फिल्म को बनाना कहीं ब्रश। आज जितेंद्र भाई मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, जितेंद्र भाई 6 साल के बाद ये दूसरी फिल्म कर रहे हैं, बहुत प्यारे मेरे मित्र हैं और इन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुझे जरूर लूंगा, इन्होंने अपना वादा पूरा किया और इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो कि ये जो मेहनत है 6 साल की, आपको मालूम है पानी के जहाज में हम लोग बड़ी आसानी से तैर जाते हैं, ये फिल्म जब बनेगी ना आप 2 घंटे में देख के बड़े मजे ले लोगे, लेकिन जो इसके पीछे एक बड़ा संघर्ष करता है, अल्लामा इकबाल का शेर, बड़े बड़े तांबे साहब सीनियर है, और मीडिया कर्मियों के लिए, भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बजा दो, बजा दो। मैं फूल नहीं काटा हूँ, बोले बाबा, बोल दो बाबा, मैं फूल नहीं काटा हूँ और तांबे साहब आपके आपके चेहरे पे जोरदार तमाचा हूँ, फोटो खींच लो फटाफट। फोटो तुम्हारा कैमरा बिल्कुल बंद है। आज ये जो कार्यक्रम है बड़ा प्यारा कार्यक्रम है, जितेंद्र भाई ने इसको
अक्षा पाकिस्तानी। थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैंने साउथ में काफ़ी फिल्में की हैं, यहाँ पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए वुमेनहुड बहुत ही प्यारी कहानी है, एक मुद्दे के बारे में है जो इंडिया में होती है, ट्रेडिशंस हमारे कल्चर्स में जो एक ट्रेडिशन है उसके बारे में है, तो होपफुली वी मेक अ गुड फिल्म। फिल्म है वुमन हुड, इसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत किया है, 6 मंथ से इसके ऊपर मेहनत किया है, और मेरे सहयोगी जो मनवीर भाई हैं, हमारी हीरोइन हैं, ये लोग हमारे साथ सहयोगी हैं। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फिल्म एक छोटे गांव की स्टोरी है, और उस गांव के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं। गाँव में क्या होता है कि आज के समाज है ऐसा होता है, उस समाज के प्रति मतलब एक लड़का और एक लड़की मतलब कैसे वहाँ से वो बिछड़ते हैं, और कैसे वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो मतलब अपने घर वालों से ही बच के भागते हैं। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरीके से घूमती है। बाकी तो हमारे मनवीर भाई हैं और बाकी हमारे हीरोइन सब कुछ बताएंगे उसके बारे में। मेरा एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एजुकेटेड लड़की जो एक सिटी में पढ़ रही है, कॉलेज गोइंग गर्ल है, और आजकल की लड़की है जो पुराने रिवाजों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, एंड शी इज़ अ प्रोग्रेसिव इंडियन वूमन। तो आई थिंक आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी इंडियन वूमन आउट देयर। जी जी, वही हमारा मैसेज है कि आजकल की लड़की अगर उसके खिलाफ कुछ भी नाइंसाफी हो रही है तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो लड़ेगी और जवाब देगी। मेरा जो किरदार है वो एक आज के दौर के लड़के का है, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन उसके ख्यालात अपनी फैमिली की तरह नहीं, तो वो किस तरह से अपने फैमिली के ट्रेडिशंस को तोड़ता है और अपनी अपनी लव लाइफ को कैसे एक सक्सेसफुल लव लाइफ बनाता है, और कैसे जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ कैसे लड़के और काफ़ी दुख से करके अपनी पर्सनल लाइफ बनाता है। इस बारे में टाइटल जब मैं सब्जेक्ट में साथ बैठ के जब लिखवा रहा था, मैं काफ़ी टाइटल बहुत सारे सोचा, नारी तो सोचा, स्त्री सोचा, बहुत सारे सोचा चीज़ें, मगर मुझे वो क्या ओल्ड लगा, मुझे कुछ नयापन चाहिए था कि जो लोगों को आकर्षित कर रहे, क्योंकि हिंदी में टाइटल सभी लोग लेके करते हैं, मैंने इसलिए वुमन हुड लिखा हुआ है, उसके नीचे भी नारी तो लिखा हुआ है, मतलब एक महिला बेस के प्रति ये सब्जेक्ट है। और मैं कहना भी ये भी चाहूँगा कि आज के ज़माने में जो मोदी जी ने बोला है कि डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया में क्या होता है, बेटियों को सम्मान के प्रति मतलब काफ़ी मोदी जी ने एक सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत सारे योजनाएँ बता रहे हैं उनके प्रति, तो मैं उसी के प्रति मैं फिल्म को मतलब आज के डेट में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसी के प्रति। कब फिल्म फ्लोर पे जा रही है, क्या फिल्म जाएगी आपको 25 जून को फ्लोर पर जाएगी। क्या प्लान्स के मतलब काफ़ी प्लान इसके लिए है, अब फर्स्ट टाइम जब मैं पोस्टर लॉन्च कर रहा था इतनी प्लान से कर रहा हूँ, तो बाकी जब इसके आगे और भी कार्यक्रम करूँगा तो मैं बहुत सारे प्लान से ही करूँगा। बाकी मेरे की जो टीम है काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे मनवीर भाई भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ये हीरोइन भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी और भी म्यूजिक डायरेक्टर भी है, मेरे एसोसिएट भी है, को प्रोड्यूसर भी है, सभी लोग मेरे को काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और मेरे के लोकेशन पर भी जो वहाँ के लोग हैं वो लोग भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, और आप यहाँ की जो मीडिया आई है वो भी हमारे लिए काफ़ी सहयोग कर रही है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमें स्क्रिप्ट दी गई हैं, तो हम लोग पहले अपनी एक रफ रीडिंग करेंगे, उसके बाद सर के साथ बैठेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग कैरेक्टर्स की होगी, उस हिसाब से हम अपने आप को ढालेंगे। जैसे आपने कहा साउथ से आप आए, साउथ तो यहाँ बहुत डिफरेंट तो नहीं है सब, आई थिंक साउथ इंडस्ट्री भी और इधर भी काफ़ी लोग बदल रहे हैं, मतलब कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना है कि साउथ में लोग टाइम पर आते हैं, यहाँ पर लोग टाइम पे नहीं आते बट हाँ जी, बस वही डिफरेंस है, बाकी तो सब अच्छा काम ही कर रहे हैं, अच्छा वहाँ पर भी अच्छी फिल्म्स बन रही है, यहाँ पर भी अच्छी फिल्म्स बन रही है। तो आई थिंक टाइटल की वजह से ही मैं ज़्यादातर कन्विंस हो गई कि मुझे ये फिल्म करनी है, बिकॉज
as I said pehle also ki you know aajkal today women are at the forefront of everything har cheez mein ladkiyan aage badh rahi hai aur the best part is ki hamari families hame aisa sahyog de rahi hai support de rahi hai hame aage badhne ke liye to I think ye film usi cheez ke upar hai ki ladkiyon ke prati hamare desh mein अभी तक ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहां पर नाइंसाफ़ी होती है और आई थिंक हमारी फिल्म उसी के ऊपर है और किस वे में ये कपल इस चीज़ को फाइट करता है एंड ऐसा भी नहीं है कि हम भाग जाते हैं हम फाइट करते हैं उस चीज़ को तो आई थिंक वो ज़्यादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड वुमनहुड इज़ अ वेरी पावरफुल टाइटल आई थिंक जहाँ पर एक वुमन को हाईलाइट किया जा रहा है आई थिंक इट्स ग्रेट आई मीन नॉट सेलिब्रेटिंग वन वुमन सेलिब्रेटिंग वुमेन आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग नहीं 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 आजकल आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी जो एक मेन के राइट्स हैं वो वुमेन के भी राइट्स हैं जैसे हमें अपना हक मिलता है हम सब चीज़ें कर सकें तो उसी दौरान उसी हिसाब से वुमेन को भी वैसे सब राइट्स मिलने चाहिए और अवेयरनेस बढ़ रही है और इस फिल्म का मुद्दा ये है टू अवेकन इक्वालिटी इन बिटवीन मेन एंड वुमेन तो व्हेन आई हर्ड दिस टाइटल वुमनहुड आई वाज लाइक ये मूवी करनी है उसके बाद जब मुझे नरेशन मिला तो आई वाज लाइक ऑसम सब्जेक्ट आई वुड वॉन्ट टू डू दिस नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं सब बराबर है एवरीथिंग हैज बीन प्लेस्ड प्रॉपरली एंड ही इज डन अ ग्रेट जॉब इन राइटिंग द स्क्रिप्ट सो लेट्स सी हाउ दस दिस वर्क आउट ऑन द स्क्रीन थैंक यू प्यार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और माँ के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ माँ के बिना दुनिया में कोई भी कुछ नहीं है ये फिल्म वुमनहुड इतनी प्यारी फिल्म है जितेंद्र साहब ने इसके पीछे 6 साल से मेहनत किया है 6 साल पहले इन्होंने एक बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी वो रिलीज़ हो गई माशाल्लाह जी टीवी से इन्होंने रिलीज़ की थी इतनी अच्छी कहानी है इतना प्यारा कॉन्सेप्ट इन्होंने मुझे सुनाया इसमें मैं एक निगेटिव भूमिका कर रहा हूँ बड़ी प्यारी भूमिका है और उसको करने में मैंने अभी तक जितनी भी भूमिकाएँ की हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल हटके है उसकी शूटिंग माशाल्लाह बहुत अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशनों पर होगी बड़ा मज़ा आएगा शूटिंग को करने में मैं जितेंद्र भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा इस फिल्म में मैं मुझे एक मुख्य भूमिका निभाने को दिया पोस्टर देख के इतना प्यारा लगा वुमनहुड वुमन जैसे कि वुमेन माँ होती है बहन होती है ना और बीवी भी होती है वुमनहुड हमारे जीवन हमारे सबके जीवन में वुमेन का बहुत बड़ा महत्व होता है अगर वुमन जिसके जीवन में नहीं होती है तो वो सक्सेस नहीं होता इंसान चाहे वो बीवी के रूप में हो चाहे वो माँ के रूप में हो चाहे वो बहन के रूप में हो वुमन का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है और वुमनहुड होना भी बहुत ज़रूरी है वुमनहुड होना इसलिए ज़रूरी है कि कई सारे आज देश में आप जैसे देख रहे हैं कि कितने सारे रेप हो जा रहे हैं तो वो लड़कियों को वुमनहुड होना बहुत ज़रूरी है मर्दों के खिलाफ लड़ना हमेशा अपने आप को मर्दों से कभी कम नहीं समझना थैंक यू सो मच लव यू ऑल संगीत तो मतलब बहुत अच्छा है फिल्म का और जितेंद्र जी ने जो सिचुएशन दिए वो बहुत कमाल है रोमांटिक गाने दो रोमांटिक गाने कंपोज कर रहा हूँ एक डांस नंबर और मुझे लगता है ये जैसे मेरी सारी फिल्मों के गाने हिट हुए हैं इस फिल्म के भी गाने हिट होंगे बहुत सारी मतलब मेलोडी धुन बनाई है मैंने इसकी और इंशाल्लाह ये लोगों के दिल तक पहुँचेगा मुझे तैयार हैं कंपोज हो गए प्रोग्रामिंग हो रही है शूट कर रहे कहानी के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल कहानी के हिसाब से गाने लिखे गए हैं उसके हिसाब से कंपोज किए और जैसे राजस्त्री का गाना हिट था मेरा नौटंकी साला हिट स्टोरी 2 अभी लेटेस्ट शादी में ज़रूर आना उसी तरीके से इसके भी हिट होंगे रॉबिनहुड के इंशाल्लाह वुमनहुड सॉरी वुमनहुड सॉरी तो क्या कर वुमनहुड ना जी जी सबको प्यार दिया है आप लोगों की वजह से गाने लोगों के तक पहुंचे हैं और इसके भी वुमनहुड के भी गाने इंशाल्लाह घर घर पहुंचेंगे और बहुत पसंद आएंगे ऐसा मेरा मानना है बाकी सब आप लोगों की साथ चाहिए दुआएं चाहिए थैंक यू सो मच इसकी मूवी बहुत ही खूबसूरत है और उसी खूबसूरत से ये गाने बन रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ वो काम डायरेक्टर साहब का है इन्होंने सिचुएशन पर गाने लिखवाए बहुत कमाल थाट्स लिखे हैं कुर्सी पर मैं बहुत बड़े बड़े लिरिक्स राइटरों के साथ काम किया है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कुर्सी नए हैं
क्योंकि सर ने बहुत अच्छा निकलवाया उनसे, बहुत अच्छे गाने बने हैं माशाल्लाह। जब मैं पहली बार इससे मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। जब मुझे इसने वर्ड लिखा, इसने पहला वर्ड जब लिखा तो मुझे लगा कि कुछ इससे निकाला जा सकता है। तो मैंने बोला कि एक काम करो भाई, ये सिचुएशन है, मुझे ज़रा गाना लिख के दो, बताओ। इसने पहले ही मरतबा इसने जो वर्ड लिख के दिया ना, मुझे दिल को छू गया। और ऐसा वो वर्ड है कि थोड़ा सा वो वर्ड को बोल दीजिए, वो माही मेरा 16 चांस है। अच्छा मैं सुना देता हूँ गाइस। मेरी धड़कन की खामोशी में तेरा जिक्र सुबह और शाम किया, मेरी धड़कन की खामोशी ने तेरा जिक्र सुबह और शाम किया, मैं यूं ही नहीं दीवाना बना, मैंने हर पल तेरा नाम लिया। अब तू शामिल है मुझ में यूं जैसे सहरा पे है रेत पड़ी, मैं बेरागी नाम जपूं तेरी धुन लागी, मैं बेरागी तेरा नाम जपूं तेरी धुन लागी। थैंक यू।